Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good friends and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक unique job की update जो कि direct निकल के आ रहा है IPPB Executive Recruitment 2023 के लिए. फ्रेंड्स, IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें आपको वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी है. ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. ऑल इंडिया की वैकेंसी आई है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होना चाहिए. साथ ही साथ आपको एग्जाम की पैटर्न, इनिशियल इन हैंड सैलरी, ये जॉब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या नहीं, सारा कुछ बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब डिटेल को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 132 टोटल सीट्स के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी है. तो चलिए हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है. जनरल के लिए 56, EWS के लिए 13, OBC के लिए 35, SC के लिए 19 और ST के लिए 9 सीट्स यहाँ पे रखी गई है. और फ्रेंड्स, आपका जो यही वैकेंसी है ना, सर्किल वाइज स्टेट वाइज डिवाइडेड है. तो आइए हम लोग सर्किल एंड स्टेट वाइज भी देख लेते हैं. असम सर्किल में असम के लिए 26 सीट है, छत्तीसगढ़ सर्किल में छत्तीसगढ़ के लिए 27 सीट है, हिमाचल प्रदेश सर्किल में हिमाचल के लिए 12 सीट है, जम्मू कश्मीर सर्किल में जम्मू कश्मीर के लिए 7 एंड लद्दाख के लिए 1 सीट है. नॉर्थ ईस्ट सर्किल में आपका अरुणाचल के लिए 10 सीट, मणिपुर के लिए 9, मेघालय के लिए 8, मिजोरम के लिए 6, नागालैंड के लिए 9, त्रिपुरा के लिए 5. ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करोगे. ऑल इंडिया की वैकेंसी, आप जिस भी स्टेट के लिए इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हो. एंड फ्रेंड्स, वन स्टेट आपका मिस हो गया था मेरे से, उत्तराखंड के लिए ना 12 सीट्स रखा गया है यहाँ पे. तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, 26 जुलाई 2023 से स्टार्टिंग डेट है, मतलब ये ऑलरेडी स्टार्टेड है. एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 16 अगस्त 2023 रहने वाला है. एप्लीकेशन की फ़ी की अगर बात करें तो SC ST फिजिकली हैंडीकैप से 100 रुपीज़ लिया जाएगा. अदरवाइज जो किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 300 रुपीज़ फॉर्म की फ़ी यहाँ पर लगने वाली है. अब बारी आती है एज लिमिट की. सो फ्रेंड्स, योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023 और आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है. रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको SC ST को 5 ईयर्स के लिए एंड OBC को 3 ईयर्स के लिए. एंड अदर कैंडिडेट्स को भी मिलता है रिलैक्सेशन, उनके लिए आप स्क्रीन पे आ रहा होगा रिलैक्सेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से बाद में समझ लेना. क्वालिफिकेशन अगर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वालिफिकेशन रखा गया, मतलब एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. अगर फ्रेंड्स आपका किसी भी स्ट्रीम से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप इसके लिए एलिजिबल हो. इट डजेंट मैटर कि आपका क्या परसेंटेज है ग्रेजुएशन में. योर सेलेक्शन प्रोसेस विल बी डिपेंडेबल ऑन 2 मेजर स्टेजेस फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड आपका होता है ग्रुप डिस्कशन एंड आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है. तो अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि आपका मेरिट किस आधार पे बनेगा, सिर्फ एग्जाम बेसिस पे या आपको GD और इंटरव्यू का भी इसमें ऐड होने वाला है. तो जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियली, तो टेंशन नहीं लेना है. मतलब एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, मैं आपको एग्जाम की पैटर्न क्लियरली बता देती हूँ. आपको 200 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में कंडक्ट कराया जाता है. आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं. फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का पेपर रहेगा. निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है आपका 0.25 का.
इसके बाद होता है आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, तब जाके आपको आपकी सिलेक्शन मिल जाती है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। तो अब आपको बता देती हूँ कि इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका 30,000 पर मंथ की सैलरी रहती है, इसमें आपको पर ईयर इंक्रीमेंट भी होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ही जॉब है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका 1 ईयर से 2 ईयर हो जाता है, फिर सेकेंड ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 3 ईयर हो जाता है, बट मैक्सिमम 3 ईयर्स, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे जॉब करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है गवर्नमेंट जॉब में ऐसा 2-3 साल जॉब करने का, ये आपके लिए एक अच्छा मौका रहने वाला। अगर आप आगे कुछ अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इसको करने के साथ ही साथ आप उसको कर सकते हो, ताकि 3 ईयर्स आपको एक फिक्स सैलरी वाली जॉब तो मिल जाएगी ना। इसके बाद आपको स्किल जो है सर्टिफिकेट वो मिलता है, जिससे आपको आगे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करने में बहुत ज़्यादा ही आपको बेनिफिशरी वो रहने वाला है। अब बात करते हैं वर्क एंड डिपार्टमेंट की। तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है तो ऑफिशियल वर्क होगा, और बाकी के जो भी डिटेल वर्क है आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। So, ये सारी बेसिक डिटेल थी फ्रेंड्स आपको IPPB एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। आई होप आप सब इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, मैं वहीं पे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहां पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।